कितने नंबर अगर आपके होंगे तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में आपको एडमिशन मिल जाएगा, आप वो बात समझिए, नंबर के हिसाब से भी समझिए और रैंकिंग के हिसाब से भी समझिए। बीए ऑनर्स की बात करते हैं जनरल कैटेगरी के लिए, तो अगर आपकी रैंकिंग 1500 के नीचे है, मतलब 1, 2 या 100, 200, 500, 1500 के नीचे है अगर, तो आपका एडमिशन पॉसिबल है। लगभग 1500 आपकी क्लोजिंग रैंक होने वाली है। और कट ऑफ मार्क्स की बात करें तो हालांकि मैंने 170 लिख रखा है, लेकिन आप इसमें 20 मार्क्स जोड़ दीजिए। तो अगर आपके 180 या 190 नंबर हैं तब आप हर हाल में अपना एडमिशन पॉसिबल मान लीजिए कि आपका एडमिशन हो जाएगा। ओबीसी के लिए 160 या 170 से अधिक मार्क्स हैं आपके और आपकी कट ऑफ 1100 के अंदर है, तब आप मान लीजिए कि आपका एडमिशन हो पाएगा। एससी एसटी के लिए अगर आपके 120 और 100 नंबर के ऊपर हैं तो आप एडमिशन मान लीजिए कि हो जाएगा। बीएससी ऑनर्स बायोलॉजी की बात करें तो कट ऑफ जो है 92 के ऊपर है अगर मार्क्स आपके, तो एडमिशन मान लीजिए हो जाएगा। जनरल की बात कर रहे हैं, जनरल का मतलब सिर्फ जनरल कैटेगरी से नहीं है, जनरल का मतलब सारे कोर्सेज का इंक्लूड करके है। बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स में अगर आपकी 190 नंबर के आसपास हैं, 175 से 90 नंबर हैं, आपकी अगर कट ऑफ रैंक कुल मिला के 2000 के नीचे है, तो आप अपना एडमिशन संभव मानिए। बीएससी ऑनर्स की बात करें रेगुलर और सेल्फ फाइनेंस की, तो अगर आपके मार्क्स जो हैं 235 के ऊपर हैं तब आप एडमिशन मानिए, ये नहीं तो आपका एडमिशन मुश्किल है। ओबीसी के लिए कम से कम 225 नंबर जरूरी हैं संभावित, मैं आपको फिलहाल बता रहा हूँ। बात करते हैं एलएलबी की, तो आपके जो मार्क्स हैं वो कम से कम 230 मार्क्स आपके होने चाहिए एडमिशन के लिए। अगर आप ओबीसी हैं तो 200 मार्क्स फिर भी ज़रूरी हैं, एससी एसटी हैं फिर भी 140 से 50 मार्क्स ज़रूरी हैं। तो इसी हिसाब से मेरिट लिस्ट जानी है। द यूनिवर्सिटी विल अलॉट अ यूनिक रैंक टू कैंडिडेट्स, दोज विल अपेयर इन एंट्रेंस टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन द एग्जाम। द मेरिट लिस्ट विल बी पब्लिश्ड ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। इट विल बी रिलीज्ड सेपरेटली फॉर ईच यूजी एंड पीजी प्रोग्राम ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेंड बाय कैंडिडेट। अ सेपरेट मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बाय यूनिवर्सिटी। As per rank in the merit list, candidates will be called for admission procedure. If you have any other queries about BHU cutoff, you can write your queries in comment box given below. Thank you, बहुत बहुत धन्यवाद। और इससे संबंधित जो भी जानकारी आऊंगी आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। बनाए रहिए द यूनिवर्सिटी कनेक्शन। धन्यवाद।